सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। झरनों से कतई मधुर संगीत नहीं सुनाई देता अगर राह उनकी पत्थरों से भरी न होती। किसी की खामोशी को समझना सीखो दोस्तों। अक्सर टूटे हुए लोग लफ्जों का इस्तेमाल नहीं करते। ध्यान रखे, समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, अतः कभी किसी का अपमान मत करो। आज का पंचांग 10 जनवरी 2022 दिन सोमवार, पौष मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, दोपहर 12:24 तक रहेगी। इसके उपरांत नौमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। रेवती नामक नक्षत्र सुबह 8:49 तक रहेगी। इसके उपरांत अश्विनी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 8:34 से 9:54 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:12 से 12:55 तक रहेगा। आज चंद्रमा मीन राशि पर सुबह 8:49 तक रहेगी। इसके उपरांत मेष राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य धनु राशि पर रहेंगी। तुला राशि 10 जनवरी 2022 दिन सोमवार, आपके परिवार वालों को नजदीकी संबंधियों से होने वाली परेशानी के कारण आपको भी प्रतिबंधों का सामना करना होगा। ये लंबे समय तक नहीं रहेंगे लेकिन आपको काफी प्रभावित करेंगे, इसलिए इनके प्रभाव से बचने की कोशिश करें। आज आप कोई घरेलू उपयोग का उपकरण खरीदेंगे या घर की नियमित साफ सफाई के चलते कम उपयोगी सामान को बेच देंगे। अपने दुख को रहस्य न रखें। अगर आपका स्वास्थ्य आपके लिए चिंता का कारण बन गया है तो शांति और मार्गदर्शन के लिए अपने परिवार और दोस्तों की राय लें। अचानक मिला धन योजनाओं को पूरा करने में आपकी मदद कर सकता है। बुराइयों से बचें और इसकी जगह नेचर का मजा लें। बिक्री या सौदे के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण है। नए अनुबंधों की शुरुआत होगी जब कार्य के लिए आपके जुनून और समर्पण की बात आती है तो आपको पसंद करने वाले लोगों की कमी नहीं है। सपने और वास्तविकता में बदलने की क्षमता है। अगर महानता हासिल करना चाहते हैं तो इजाजत लेना बंद करिए। आज अचानक ही कोई असंभव कार्य बन सकता है। आध्यात्मिक कार्यों में भी आपका रुझान बढ़ेगा। मानसिक रूप से सुकून मिलेगा। किसी मित्र अथवा फोन के माध्यम से कोई शुभ सूचना मिलेगी जिससे आप कोई निर्णय लेने में सुविधा महसूस करेंगे। पिछले समय की बातों पर सोच विचार करके आप खुद को तकलीफ ना दें। जिन बातों पर आपका नियंत्रण है केवल उन्हीं बातों पर ध्यान लगाएं। परिणामों की चिंता करने की वजह से नकारात्मक विचार आपके ऊपर अधिक हावी हो सकते हैं। नुकसान की वजह से अपने व्यापार के लिए नकारात्मकता महसूस हो सकती है लेकिन ये कुछ समय की बात है। लव रिलेशनशिप से संबंधित बातों में पार्टनर की टिप्पणी तकलीफदायक हो सकती है। नींद से संबंधित बेचैनी बढ़ सकती है। डॉक्टर की सलाह जरूर लें। नौकरी में जगह बदलने को लेकर असमंजस की स्थिति रह सकती है। लोगों का व्यवहार अधिक अखड़ सकता है। आंखों में खिंचाव भी रह सकता है। कोई गुप्त बात उजागर होने से संकट की स्थिति खड़ी हो सकती है। माता का स्वास्थ्य चिंता करवा सकता है। कमर दर्द परेशान कर सकता है। नौकरी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो अच्छा समय है। दिए गए विशेष दायित्व को पूरा कर कार्यस्थल पर प्रशंसा के पात्र बन सकते हैं। बेटे का स्वास्थ्य चिंतित कर सकता है। उच्च पदस्थ राजनेताओं के लिए कुछ खास पाने का समय है। सामाजिक दायरे में ख्याति बढ़ सकती है। अवसाद से बचें। सावधानियां, बाहरी गतिविधियों में ज्यादा समय व्यतीत न करें, न ही ज्यादा मेल जोल रखें। भावुकता और उदारता के साथ साथ व्यवहारिक होना भी जरूरी है। ससुराल पक्ष के साथ संबंध मधुर बनाकर रखें। बात करते हैं लव लाइफ की। प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेगी। घर के किसी अविवाहित सदस्य के लिए उत्तम रिश्ता आ सकता है।
आज के दिन अपने संबंध को नए स्तर पर ले जाने के लिए एकदम परफेक्ट है। अगर आप पहले से किसी के साथ संबंध में हैं तो आज अंतिम रूप से इस पर मोहर लगा सकती हैं। यहाँ तक कि आप परिवार शुरू करने के बारे में भी सोच सकती हैं। जो अकेले हैं वे ऐसे किसी महत्वपूर्ण आदमी से मिल सकते हैं जो उनके भविष्य को काफी प्रभावित करेगा। अपने करीबियों के साथ समय बिताना ना भूलें। अपने गुणों और मानसिक शक्तियों के कारण आप वो सब कुछ पाने में सक्षम हैं, जिनकी भी आपको इच्छा है। अपनी चाहत का इजहार करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाना ना भूलें। इससे आपका रोमांटिक जीवन और भी स्पाइसी बन जाएगा। सफर करते समय सुरक्षा का पूरा ख्याल रखें। आज आप जिस भी व्यक्ति से मिलेंगे वो आपके कुर रवैये और करिश्मा से बच नहीं पाएगा। हर कोई आपके क्षमताओं और प्रतिभाओं की तारीफ करेगा। अगर आपका प्यार एक तरफा है तब भी चिंता ना करें। जैसे जैसे आपका क्रश आपको अधिक जानेगा वैसे ही आपकी नजदीकियां बढ़ेगी। बस कोशिश करना ना छोड़ें। बात करते हैं करियर की। आज आपकी योजनाएं या काम पूरे होने की संभावना कम है, किंतु आने वाला समय आपके लिए नई संभावनाएं लेकर आ रहा है। किसी की बुराई या दोष निकालने से अच्छा है खुद के विचारों को शुद्ध करना। नया व्यापार शुरू करने या उसके विकास के लिए यह समय अनुकूल है। बिक्री या सौदे के लिए यह महत्वपूर्ण दिन है। आप जानते हैं कि सफल होने के लिए क्या करना चाहिए और आप अपने कौशल का उपयोग करने से नहीं डरते। याद रखें, अगर शुरुआत अच्छी है तो आधा काम वही हो जाएगा। आप अपने कार्यों को करते हुए धैर्य रखते हैं, पर आज आप में अधिकार की भावना रहेगी। आपको यह एहसास करने की जरूरत है कि चीजें अपनी गति से आगे चलेगी और ज्यादा पाने की चाह आपको पीछे की ओर ढकेल सकती है। आप में हमेशा धैर्य की भावना रही है और हमेशा से निर्धारित मार्ग की तरफ आप अग्रसर रहे हैं। आपको ये याद करने की जरूरत है कि क्यों आप इस पद पर आगे की ओर बढ़ रहे थे और उसी पद पर आगे बढ़ते रहें। कार्य क्षेत्र में सभी काम निगरानी से ही कराएं। कर्मचारी से नुकसान होने की भी आशंका है। भावनाओं में आकर बिना सोचे समझे दुष्टों की योजनाओं का अनुसरण ना करें। ये समय बहुत ध्यान से अपने कार्यों को अंजाम देने का है। बात करते हैं सेहत की। व्यवस्थित दिनचर्या और खान पान द्वारा आप स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस कर सकती हैं। आज अब जरूर किसी अभ्यास कक्षा नियमित व्यायाम में भाग लेंगे। अगर आप पिछले कुछ दिनों से अपने स्टेमिना में सुधार करने या वजन कम करने के बारे में सोच रहे हैं तो शुरुआत के लिए आज से बेहतर दिन नहीं हो सकता। आपको अपने स्वास्थ्य संबंधित संकल्प को बनाए रखने के लिए प्रेरणा भी मिलेगी। आप पहले से भी अधिक सख्त कार्यक्रम अपने लिए चुन सकती हैं। आज का उपाय। आज अब शिवलिंग पर 21 बेलपत्र के गांठ अर्पित करें, अति शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।